अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एसएन मोबाइल एंड रिपेयर एंड टिप्स के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना मोबाइल में हैंड फ्री साइंड सॉल्यूशन, जो कि हैंड फ्री साइंड सॉल्यूशन की वजह से माइक प्रॉब्लम भी होती है और स्पीकर प्रॉब्लम भी होती है, जिससे आवाज़ इनकमिंग और आउटकमिंग दोनों प्रॉब्लम होती है, ना इनकमिंग आवाज़ आती है और ना ही आउटकमिंग आवाज़ आती है। तो चले फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करते हैं कि ये किस वजह से आता है और इसका सलूशन करते हैं, किस तरह इसको रिमूव करना है। चले फ्रेंड्स, मोबाइल को ऑन कर ओपन करते हैं। पैच इसके मैंने ऑलरेडी उतार दिए थे, तो चले इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करते हैं और बोर्ड को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। इसको ये इसका स्टिकर इसको उतार लेते हैं, इसको सेफली बाहर निकाल लेते हैं। एंड इसको ओपन यहाँ पे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके जो पॉइंट्स होते हैं इनमें से कोई एक पॉइंट भी शार्ट हो जाए तो इसमें ये हैंड फ्री साइंस का प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये पॉइंट इसका वाटर डैमेज है, तो इसको क्लीन करके चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। अदरवाइज़ इसमें बहुत से दफ़ा ये प्रॉब्लम आता है कि इसका कोई पॉइंट शार्ट हो जाता है, और कभी कभी इसके साथ जो ये कैपेसिटर लगे होते हैं ये शार्ट हो जाते हैं, जिसको रिमूव करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलें इसको क्लीन करके चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। राइट, तो चलें फ्रेंड इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करके इसको इनसाइड भी क्लीन कर लेते हैं। तो चलें इसको बोर्ड में फिट करके बैटरी लगा के चेक करते हैं। तो चलें इसको बैटरी लगा के ऑन करके चेक करते हैं। देखिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसका साउंड आ गया है। ये देखें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर कैपेसिटर को रिमूव करने से, क्लीन करने से किसी भी तरीके से ये साइन ना जा रहा हो, तो फ्रेंड्स मुख्तलिफ केसेस में अगर क्लीन करने से और जो शॉर्ट कैपेसिटर होते हैं उसको रिमूव करने से भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो इसका लास्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, उसमें 100% आपका हैंड फ्री साइंस सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मोबाइल को अगेन एक दफ़ा ओपन करके मैं आपको चेक कराता हूँ। इसको बोर्ड को निकाल लेते हैं। बोर्ड को रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट हल जो है इसका, अगर किसी भी तरीके से इसका साइंड हैंड फ्री साइंड सॉल्यूशन नहीं जा रहा हो, तो आपने इसका सॉल्यूशन करते हैं, आपने इसके फर्स्ट पॉइंट से ट्यूज़र की मदद से इन सब पॉइंट्स पे बारी बारी आपने चेक करने हैं। अगर इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो सेकेंड पॉइंट पर रख के इस तरह चेक करना है। बारी बारी आपने एक पे ट्यूज़र रख के इस तरह सब पे चेक करना है, तो इन पॉइंट में से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो फ्रेंड, वीडियो अगर लाइक आई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वही तरह तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।